फिनियस एंड फर्ब की कहानी को किसके रियल लाइफ बचपन पर मॉडल किया गया था, कैसा होने वाला था ओरिजिनल फिनियस एंड फर्ब का एपिसोड, क्या अनोखी और खास बातें हैं रियल लाइफ के प्लैटिपस के बारे में, क्या है थ्रू आउट द सीरीज दिखने वाले बेबी हेड का सीक्रेट, और कब हमें दिखने वाले हैं फिनियस एंड फर्ब के आने वाले सीजन। डिज्नी के द्वारा बनाया हुआ फिनियस एंड फर्ब वन ऑफ द फनीस्ट शोज में से एक है। इसे हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसके बनने के पीछे ऐसे ही कई सारी कहानियां हैं जो आपका इस वीडियो में इंतजार कर रही हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फिर वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे तो फिनियस एंड फर्ब को डैन पोविनमायर और जेफ मार्श, जिन्हें स्वाम्पी भी कहा जाता है, इन्होंने मिलकर क्रिएट किया था। लेकिन फिनियस एंड फर्ब के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट का आइडिया डैन पोविनमायर से ही आया था, जहां पर वो इस शो को क्रिएट करने का जिम्मेदार अपने बचपन को मानते हैं, जहां पर अमेरिका के मोबाइल अलबामा में अपने गर्मियों की छुट्टियों में उनकी माँ उन्हें इनकरेज किया करती थी अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखने के लिए, जिसके कारण वो कभी कभार होल डिगिंग करते थे और अपना खुद का होम मूवी भी बनाते थे। साथ ही साथ वो अपने घर की सुपर 8 कैमरा का इस्तेमाल करके अलग अलग साइंस फिक्शन मूवीज बनाने की कोशिश किया करते थे। खैर, डैन पोविनमायर और जर्मी मार्श का ये पहला टीवी शो नहीं था जिस पर उन्होंने सक्सेस पाया था, और बेसिकली अपना खुद का टीवी शो लाने से पहले इन दोनों क्रिएटर्स के पास एनिमेशन फील्ड और कॉमिक फील्ड के अंदर एक काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, जहां पर डैन पोविनमायर की शुरुआत लाइफ इज अ फिश नाम के कॉमिक स्ट्रिप को लिखने से हुई थी, और उनका पहला शॉर्ट एनिमेशन फिल्म फार आउट मैन था, जिसके बाद ये दोनों के दोनों क्रिएटर्स द सिम्पसन सीरीज के दौरान मिले, जिसमें दोनों ही क्रिएटर्स लेआउट आर्टिस्ट का काम करते थे। आगे जाकर इन दोनों ने फैमिली गाय, स्पॉन्जबॉब स्क्वायरपैंट्स, पोस्टमैन पैट और रॉकर्स मॉडर्न लाइफ के टीवी शो के अंदर एक साथ काम किया। बात करें अगर इस सीरीज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, तो इस सीरीज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत एक छोटे से नैपकिन के ऊपर हुई थी, जहां पर एक दिन साउथ पैसेडीना के वाइल्ड थाइम रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान यहां पर डैन पोविनमायर ने वहां पर रखे बुचर पेपर के अंदर एक ट्रायंगल फेस वाले लड़के का स्केच ड्रॉ किया, और उस बुचर पेपर को फाड़ कर उन्होंने अपने साथ रख लिया, जिसके बाद से ही दोनों इस शो के दूसरे कैरेक्टर्स पर काम करने लगे, जहां पर डैन पोविनमायर ने इस सीरीज के एनिमेशन को लेट एनिमेटर टैक्स एवरी के एनिमेशन स्टाइल पर मॉडल किया था, जो MGM और वार्नर ब्रॉस के लिए काम किया करते थे, और वो अपनी एनिमेशन में ज्योमेट्रिकल शेप्स का बहुत इस्तेमाल करते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ब्लेंडर एक बहुत ही पावरफुल 3D सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन और 3D एसेट्स तक डिजाइन कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप वीडियो गेम या विजुअल इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं। और आज के जमाने में 3D एक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग वैल्यूएबल स्किल है, लेकिन एज अ बिगिनर ब्लेंडर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3D सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन थैंकफुली आवर ब्लेंडर गुरु एंड्रू प्राइस, जिन्हें देखकर बहुत सारे 3D आर्टिस्ट ने अपनी शुरुआत की थी, स्पेसिफिकली उनके डोनट ट्यूटोरियल को देखकर। लेकिन आज से पहले प्रॉब्लम ये थी कि ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में था, बट अब मेरी आवाज के साथ आप उनके ट्यूटोरियल को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी हिंदी में, और इसका पहला लेसन अब हिंदी में अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस वीडियो की लिंक पर जाइए और उस वीडियो के नीचे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो हम इसके बाकी पार्ट्स को भी जल्द ही रिलीज करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इस सीरीज को बनने में आखिर कितना वक्त लगा होगा? वेल, अपेरेंटली इस सीरीज को बनने में तकरीबन 16 साल तक का वक्त लगा, जहां पर दोनों ही क्रिएटर्स ने इस सीरीज के कॉन्सेप्ट को कई डिफरेंट दूसरे चैनल्स पर भी पिच किया था। एग्जांपल के रूप में यहां पर डैन पोविनमायर अपना पोर्टफोलियो और इस सीरीज के कॉन्सेप्ट को अपने साथ हमेशा रखते थे, और उन्होंने इस सीरीज को एक्चुअली कार्टून नेटवर्क और फॉक्स को भी पिच किया था, जिन्होंने इस सीरीज के कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया। वहीं पर दूसरी ओर आगे जाकर उन्होंने निकेलोडियन को भी पिच किया, लेकिन वहां से भी उन्हें कई बार रिजेक्शन मिली, और फाइनली उन्होंने इस सीरीज को डिज्नी को पिच किया, बट अनफॉर्चुनेटली पहली बार ने डिज्नी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, बट बार बार पुश करने के बाद डिज्नी आखिर नेगोशिएशंस के लिए मान ही गई, और साल 2007 में जाकर इस सीरीज को लॉन्च किया गया। अब ऑफ कोर्स एक भी ऐसा एपिसोड नहीं होता है जहां पर ये नहीं पूछा जाता है कि पैरी कहाँ है। वेल, इस सीरीज के अंदर ये कैरेक्टर एक्चुअली एक प्लैटिपस है, जो कि रियल लाइफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर है, और इसे डक बिल्ड प्लैटिपस भी कहा जाता है। ये एक सेमी एक्वाटिक एग लेइंग मैमल होता है, जो कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और टैस्मेनिया में पाया जाता है, और ये ऑर्नाथोरहिंकिडी नाम की स्पीसीज फैमिली का एक आखिरी सर्वाइविंग मेंबर स्पीसीज है, जहां पर स्पीसीज के वेरिएशन के
कई और फॉसिल रिकॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एग ले करने के बावजूद भी ये एक मैमल है जो ब्रेस्ट फीड करता है, साथ ही साथ इसका अपना पेट नहीं होता और इसे एक्चुअली सरवाइव करने के लिए कॉन्स्टेंटली खाना पड़ता है, और सरवाइव करने के लिए इसे अपने बॉडी की 30% जितना वजन का खाना रोज चाहिए होता है, और ये मोस्टली अंडर वाटर ही अपना शिकार करते हैं। वेल, रियल लाइफ में कॉम्प्लेक्स जितना ये कैरेक्टर है, आप में से बहुत सारे लोगों को सीरीज में काफी सिंपल लगता होगा और मोस्टली आपको इसकी आवाज रिकॉर्डेड ही लगती होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके भी आवाज की डबिंग हुआ करती थी, बल्कि फेमस अमेरिकन वॉइस आर्टिस्ट डी ब्रैडली बेकर अपनी आवाज दिया करते थे, जिन्होंने एक्चुअली बेन 10 के इंग्लिश वर्जन के अंदर बेन 10 के कई सारे एलियंस को अपनी आवाज दी थी, साथ ही साथ उन्होंने स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स के अंदर कई सारे क्लोन ट्रूपर्स को भी अपनी आवाज दी थी। इस सीरीज के अंदर हमें बहुत बार एक जायंट सा फ्लोटिंग बेबी हेड देखने को मिलता था, जो पहली बार सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 में देखने को मिला था, जहां पर बेसिकली इसे एक पैनल पर माइकल डेड्रिक ने बनाया था, और रॉबर्ट ह्यूज जो इस सीरीज के वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे, उन्हें ये काफी अच्छा लगा, जिसके कारण इसे एज अ रनिंग जोक शो के अंदर हर जगह दिखाया गया। बात करें अगर कास्ट मेंबर की, तो इस सीरीज के अंदर एनॉइड सिस्टर का रोल एशली टिस्डेल ने प्ले किया था, जिन्होंने द स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी के अंदर मैडी फिट्ज़गेराल्ड का रोल प्ले किया था। साथ ही साथ इस शो के अंदर हमें एक बार गेस्ट अपीयरेंस के रूप में कैरोलाइन रिया भी देखने को मिली थी, जिन्होंने एक्चुअली इस सीरीज के अंदर फिनिस एंड फर्ब की मॉम लिंडा का रोल प्ले किया था। वहीं पर अगर बात करें डैड की, तो यहाँ पर इस रोल को रिचर्ड ओ ब्रायन ने प्ले किया था। इसके अलावा फिनियस को अपनी आवाज विंसेंट मार्टेला ने दी थी। वहीं पर थॉमस ब्रोडी सैंगस्टर ने फर्ब को अपनी आवाज दी थी। वहीं पर इंडियन कैरेक्टर बलजीत तजिंदर को अपनी आवाज मौलिक पंचोली ने दी थी। और जब बात आ रही है फर्ब के वॉइस एक्टिंग की, तो यहाँ पर जैसा कि फर्ब की लाइंस सीरीज के अंदर काफी छोटी होती हैं, यहाँ पे फर्ब के वॉइस एक्टर को इतना इंक्लूसिवली इस सीरीज के प्रोडक्शन के साथ काम नहीं करना होता है। यही रीजन है कि वो अपने होम कंट्री इंग्लैंड से ही फर्ब के वॉइस को डब करके भेजते हैं। वैसे पहले चीजें बहुत आसान होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन वॉइस एक्टर माइकल मूसो इस कैरेक्टर को अमेरिकन एक्सेंट में ही प्ले करने वाले थे, लेकिन जेफ मार्स को ये ब्रिटिश एंगल काफी पसंद आया और यहाँ पर मिचेल मूसो को जर्मी का कैरेक्टर दे दिया गया। और जब बात कैरेक्टर्स को डब करने की आ रही है, तो इस सीरीज के अंदर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे मेजर मोनोग्राम और डॉक्टर डोफिनस्मर्ज। और क्या लगता है आपको, इनकी ओरिजिनल वॉइस के अंदर इन्हें किसने डब किया होगा? वेल, यहाँ पर डॉक्टर डोफिनस्मर्ज को किसी और ने नहीं, बल्कि इसके क्रिएटर डैन पोविन मायर ने ही अपनी आवाज दी थी, और वो रेगुलरली टिकटॉक और यूट्यूब पर फिनियस एंड फर्ब और इस कैरेक्टर की बिहाइंड द सीन बातों को शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा मेजर मोनोग्राम के कैरेक्टर की आवाज यहाँ पर जेफ मार्श ने दी थी। वहीं पर इस सीरीज के अंदर सॉन्ग्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे, और उनमें से कईयों को यहाँ पर मार्टिन ओल्सन ने क्रिएट किया था। लेकिन फन फैक्ट यहीं पर खत्म नहीं होता, डोफिनस्मर्ज की बेटी वेनेसा की आवाज को यहाँ पर ओलिविया ओल्सन ने दिया है, जो एक्चुअली मार्टिन ओल्सन की रियल लाइफ डॉटर हैं, जिन्होंने एडवेंचर टाइम के अंदर भी मार्सलिन को अपनी आवाज दी थी। लेकिन फाइनली जिस तरह से हमें ये शो देखने को मिला, ओरिजिनली इसे उस तरह से पिच नहीं किया गया था, और ओरिजिनल पिच कुछ मामलों में बहुत अलग है ओरिजिनल एयर्ड एपिसोड से। फिनियस एंड फर्ब के मेन कैरेक्टर्स का आउटफिट काफी ज्यादा अलग कलर का होने वाला था, जहाँ पर फिनियस एक रेड और येलो शर्ट पहनने वाला था, इसके साथ वो एक ग्रीन शॉर्ट्स पहनता। वहीं पर कैंडिस की डार्क रेड हेयर थी, जिसमें वो ग्रीन क्लोथ्स पहनती, और यहाँ पर डॉक्टर डोफिनस्मर्ज हमें रेड शर्ट के साथ दिखता, और उसका नाम सिर्फ ओरिजिनली डूफ होने वाला था। साथ ही साथ कई सारे डायलॉग्स को भी इधर उधर थोड़ा मोड़ा चेंज किया गया था। पर बात करें अगर इस सीरीज के एनिमेशन की, तो इस सीरीज के एनिमेशन पर दुनिया भर की कई सारी प्रोडक्शन कंपनीज ने एक साथ मिलकर काम किया था, जैसे कि साउथ कोरिया की रफ ड्राफ्ट स्टूडियोज, ताइवान की वैंग फिल्म प्रोडक्शन, सिनर्जी एनिमेशन और मॉर्निंग सन एनिमेशन, वहीं पर शंघाई की होंगिंग एनिमेशन और होंगगुएंग एनिमेशन, जहां पर मोस्टली इस 2D एनिमेशन के लिए टून बूम 2D सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर बेसिकली डैन पोविन मायर और बाकी के डायरेक्टर्स इसके की फ्रेम एनिमेशन पर काम करते थे और इस सीरीज की डायरेक्शन को संभालते थे, और इन स्टूडियोज के अंदर फिलर्स और फ्रेम्स को ड्रॉ करवाया जाता था, जहां पर एक्चुअली ब्राइट कलर्स और एलिमेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता था। बात करें अगर अवार्ड्स की, तो यहाँ पर फिनियस एंड फर्ब को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं,
जिनमें अगर सबसे पहले बात की जाए डे टाइम एमी अवार्ड्स की, तो यहाँ पर 2010 में फिनेस एंड फर्ब को आउटस्टैंडिंग राइटिंग एंड एनिमेशन का अवार्ड मिला था। वहीं पर 2021 में आउटस्टैंडिंग राइटिंग टीम फॉर अ डे टाइम एनिमेटेड प्रोग्राम का अवार्ड मिला। साथ ही साथ 2011 में इसे फेवरेट कार्टून का अवार्ड निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड में मिला था। और प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के अंदर इसे साल 2011 और 12 में आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल अचीवमेंट इन एनिमेशन का अवार्ड मिला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सीरीज वापस आने वाला है? वेल, मई साल 2015 में इस सीरीज का फिनाले प्रीमियर किया गया था, जिसके बाद सीरीज के क्रिएटर्स ने अपना नया शो माइलोज मर्फी लॉ लॉन्च किया, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना फिनेस एंड फर्ब था, जिसके कारण जनवरी 2023 में एक बार फिर से डिज्नी ने इसके दो और सीजन को 40 एपिसोड्स के लिए ऑर्डर किया है, जहां पर डैन पोविन मायर इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होंगे। और बावजूद इस साल कई सारे स्ट्राइक्स के चलते भी इस शो पर ज्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं है, और इस साल यानी साल 2024 में हमें ये शो कभी न कभी देखने को मिल सकता है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको फिनेस एंड फर्ब के बारे में और क्या मालूम है। और हाँ, ब्लेंडर गुरु वाले उस पहले ट्यूटोरियल को फॉलो करना मत भूलिएगा, और अपने एक्सपीरियंस भी उसी वीडियो के कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। मैं जल्दी ही आपको एक नए वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।